मुल्ले सर का लिखे नहीं तो मार दिए तुम डराती क्या बेटा समझे। तो वो एक वो जो स्कूल में जो पढ़ती तुम्हें दुनिया ही ताली मारती दुनिया में पढ़को जो है क्या की इंजीनियर बनेगी डॉक्टर बनेगी क्या बनेगी क्या की एक बोर्ड पढ़ने की एक लेटर पढ़ने की दुनिया के वास्ते पढ़ना लिखना होना ना वो हिसाब से पढ़ने के वास्ते तुम्हें ताली मात मिलते सो वहाँ गए तो क्या क्या एहतराम क्या मिस मारती मेरे को डर को ऐसा सभी बैठे रहती। ये अरबी मदरसा तुम्हारी आखिरत के वास्ते इसमें पढ़े तो क्या होता है तुम्हारी आखिरत संवरती है इसमें दीन क्या इस्लाम क्या मालूम होता है माँ बाप की इज्जत क्या करना माँ बाप की कदर क्या करना बड़े छोटे की क्या कदर करना अड़ोस पड़ोस की क्या कदर करना वो सब मालूम होती हाँ। और आखिरत में कैसा इसके बाद आखिरत की ज़िंदगी में ये तुम्हें मदरसे में पढ़ती वो तालीमत आखिरत में काम आती थी तुम्हें यहाँ मदरसे में आपको खाली शोर मचाती ना कैसा कई को क्या बेटे और तुम्हें शोर मचाती थी तुम्हें क्या बोलती और बोले तो देखने वाले यार कौन तो भी रेल के माँ बाप क्या अकल सिखा रही थी तुम्हारे माँ बाप को भी अल्लाह उसके वास्ते जो है तुम्हें बच्चे हैं मदरसे को आए तो अदब का ख्याल रखो खामोशी का ख्याल रखो हाँ क्या बेटे क्या करती बात करो बात करने में क्या भी नहीं बोलो खामोश रहती कि ऐसा शोर मचाती मदरसे माशाल्लाह मदरसे को जो आती तुम्हें पढ़ने ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा बड़ी मुश्किल से पढ़ती सो उसमें भी आपको बाता अगर सबक देती ही सबक लेती ही क्या होता फिर गए वहाँ बैठ को बाता ऐसा नहीं करते बेटे सबक याद करना सबक सुनाना समझे और अदब सीखना एक दूसरे को बात नहीं करना क्या तो घरों नहीं बात सहेलियाँ की बात रहे तो घर में जा करना तुम्हें भी क्या जे और दूसरा जो है अब इसमें कौन से बच्चे जाकर माँ बाप की बात नहीं सुनते हाथ उठा देखेंगे तो मेरे ख्याल से मालूम हो रहा है पूरे बच्चे माँ बाप की बात सुनती माँ बाप की इज्जत करती घर को तो ऐसा जो है मदरसे के उस्ताद भी जो है बाप का दर्जा रखने वाले मदरसे के जो हजरत ही जो तुम्हारे उस्ताद जो ही मदरसे के उन्होंने जो है बाप का दर्जा रखने वाले उनको भी बाप का दर्जा देना तुम्हें तभी तुम्हारे इलम में तरक्की होती है सो तुम्हें खाली हंसले खेलने को बैठ ले को हजरत बोले बोले तो बोले अंदर करे तो करें दे नहीं तो क्या कि हूँ हाँ कर बैठे तो तुम ये नहीं होता क्या भी समझे उसका ये नहीं तो उसके वास्ते हजरत आपको भी हजरत क्या बोलती सुनना बराबर पढ़ना हजरत को इज्जत देना और हजरत आपको तो भी क्या तो बोले तो हजरत कुछ क्या ये उल्टे सीधे बातें करना ये सब बहुत गुनाह बैठे अल्लाह जो है उसकी सजा देता है बच्चे रहो या बड़े रहो कौन तो नहीं रहो और तुम्हें बच्चे गलती करे तो इनके माँ बाप पैसा पैदा करेगी क्या बच्चे इतनी गलीज बच्चे इन हो तो उनको अल्लाह थी तुम्हें जाकर माँ बाप पैसा बोले सर का करा क्या नहीं करना उसके वास्ते जो है अल्लाह ना बोले सर का बात सुनना और दूसरा जो है वैसे कि बच्चे कहाँ इलाके से सो जाना कभी आना कभी नहीं आना वो नहीं करना स्कूल को तो डर मर को उठ को जाती अम्मी को बोलती अम्मी जल्दी उठाओ मैं स्कूल को जाना नहीं तो मिस मारती रहती थी वैसा बोल को मदरसे को नहीं आते बोल को आना जल्दी उठाओ मदरसे को जाना अगर बोल को जाए मदरसे को आना और बराबर पढ़ना और हजरत क्या तो भी करे उनको बोले तो तुम्हारे अम्मा बाप को जाकर बोलो ना को हम ना बोले थे हमें क्या हजरत क्या तो भी करे तो बोलती और हजरत से खास गुजारिश ये है बच्चों को जो है शरारत कुछ करेंगे तो आप मारिए और कैसा मारना है हाथ पकड़ के ऐसा मारिए नहीं तो वो डरेंगे नहीं और कहीं भी जिस्म पे कहीं मत मारिएगा और क्या भी कंप्लेंट करेंगे तो बाकायदा जो है उन बच्चों को भेज दीजिए जाके उनको माँ बाप के लेकर आए उसके बाद उनके माँ बाप को बताकर वो काम करेंगे और हमको भी बताइए सलाम हजरत सबको बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब तक बच्चों को नहीं मारते वो पढ़ेंगे नहीं तुम खाली मारते मारते नहीं तो मारो परवाह नहीं मारना मारे तो मालूम होता मारती उनको डर को बराबर पड़ती जिस्म को काम ही मारो उनको हाथ को बराबर मारो नहीं तो नहीं सुने तो फौरन भेजो उनके माँ बाप को बुलाओ तो तुम्हारे बच्चे ऐसा कर रही ऐसा करे तो ऐसा करती और खुला बोलो पहले समझाओ नहीं समझे तो बाकायदा जो है उनको थोड़ा ये दीजिए समझे देकर जो है उनको ये करिए और कुछ बच्चे कम मतलब सताते हैं बोले जैसा नहीं पढ़ते नहीं सुनते हैं ये पूरे ये यहाँ से तो पूरे बच्चे अभी भी पढ़ लगे फिर ऐसा करते हैं सब बच्चे क्या तुम्हें स्कूल में ऐसा करती रहे क्या अपने घर में माँ बाप को ऐसा करते बेटा नहीं बेटा देखो बड़े हैं माँ बाप के दाखिल वो भी हैं समझे नहीं माँ बाप तुम ना बेट को घर में पढ़ा ले को नहीं बैठते तुम ना इन्हों पढ़ा चीज़ हो तुम्हारी
ये जो है दीन क्या बताती सो पढ़ाती सिखाती सो, तुम्हें जो है बच्चे हजरत आम की इज्जत कर को बोले सरकार सीखे तो पढ़े तो जो है तुम्हें कामयाब होती, नहीं कर को बोले तो समझे उसकी सज़ा मिलती है। तो यहाँ नहीं पुन भी दिए तो अल्लाह देता, अल्लाह का डर, अल्लाह के डर के लिए अल्लाह के लिए पढ़ना है सबको। नहीं अब क्या करती सब बच्चे, मगर आवाज़ शोर नहीं करना। अक्सर मैं कभी भी आके देखता हूँ ऐसा बच्चे बातें करते रहते हैं, वो उसे शुक्रिया उन्होंने बात कर दिया, शुक्रिया उन्होंने बात, ऐसा नहीं करना बेटे। मदरसा अदब की जगह है, मस्जिद को क्या बोलती बेटे, अल्लाह का घर, क्या बोलती मदरसे को क्या बोलती बोला देखेंगे, नबी का घर, गुरु का घर, समझे। यहाँ से तालीम जो पा के जाता है वो जाके मस्जिद में भी सही नमाज पढ़ता है, यहाँ से जो तालीम पाता है जो सीख कर जाता है वो पूरा दुनिया में उसका जो है आखिरत में ये है, समझे। तो हिसाब से जो है यहाँ भी जैसा मस्जिद में गए तो शोर शराबा करती नहीं, तो वैसा एहतराम मदरसा का भी करना खामोशी का ख्याल करते हुए, इसके बाद सब बच्चे करना, समझे। ठीक है, ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। इसके बाद कोई शोर करे ऐसा कुछ करे तो आप उनका नाम लिख लीजिए, लिस्ट बना के रखिए, हम लोग आएंगे तो फिर उनको हम भी जो क्या करना करेंगे। और दूसरा जो है जो बच्चा ऐसा करेगा इसको एक बार दो बार समझाइए, वरना नहीं मानेगा।